पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज ने एक विकेट से जीत लिया। किंगस्टन में मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 168 रन का टारगेट 56.5 ओवर में हासिल करके यादगार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम 1-0 से आगे हो गई। आपको बता दें, पाकिस्तान ने विंडीज को जीतने के लिए 168 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 9 विकेट पर हासिल कर लिया। कैरेबियाई टीम को मैच जीतने में तेज गेंदबाज जेडन सिल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 217 रन बनाए थे। पाकिस्तान की ओर से पहली पारी में सबसे ज्यादा रन फवाद आलम के बल्ले से निकले। आलम ने 56 रनों की पारी खेली। पहली पारी में जेडन सिल्स और जेसन होल्डर ने 3-3 तो वहीं केमार रोच ने 2 विकेट चटकाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 253 रनों पर ऑल आउट हुई। विंडीज की पहली पारी में क्रेग ब्रैथवेट ने सबसे ज्यादा 97 रनों की पारी खेली थी। दुर्भाग्यवश वो मात्र 3 रनों से अपना शतक चूक गए। पहली पारी में पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 36 रन की बढ़त बनाई। पाकिस्तान ने इस बढ़त को उतारते हुए दूसरी पारी में 203 रन बनाए और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 168 रन का लक्ष्य रखा। मेजबान टीम ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। तेज गेंदबाज जेडन सिल्स, जिन्होंने मैच में शानदार गेंदबाजी की और कुल मिलाकर 8 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 20 अगस्त से इसी मैदान पर खेला जाएगा। पहला मैच गवा चुकी पाकिस्तान की टीम इसे हर हाल में जीतना चाहेगी ताकि सीरीज को ड्रॉ किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मेजबान वेस्टइंडीज इसे हर हाल में जीत टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी।